आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि गुरुकुल का रिज़ल्ट कब आने वाला है, गुरुकुल का रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज के तेलुगु न्यूज़पेपर ईनाडु के पेज नंबर 8 में इससे रिलेटेड एक अहम अपडेट आया, जो कि आई थिंक आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर है। वो ये है कि गुरुकुल के टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो रिटर्न एग्ज़ाम अगस्त 2023 में हुआ था, टोटल उसके पोस्ट 9,210 पोस्ट थे, तो 9,210 पोस्ट थे और उसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। और उसके रिजल्ट के इंतज़ार में ही एक बहुत अहम पेशरफ्त ये हुई कि ये बोर्ड जो है पूरे ये रिटर्न एग्ज़ाम की के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने का फैसला किया। लेकिन इसमें टेक्निकल इश्यू क्या है कि हाई कोर्ट से एक चीज़ का परमिशन लिया गया, एक टेक्निकल इश्यू है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही हाई कोर्ट से इजाज़त मिल जाएगी, जितने भी उम्मीदवार हैं बेसिंग अपॉन देयर टैलेंट 1:2 के बेसिस पे रिजल्ट्स का ऐलान, जो लिस्ट रहती उसका ऐलान किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है, जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। और उसके बाद ये पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 महीने, कम से कम क्या बता रहे, कनी से मूड़ ने ललू, मतलब कम से कम 3 महीनों का वक्त लग सकता। यानी गुरुकुल के जितने एस्पिरेंट्स हैं उनको और 3 महीनों का इंतज़ार करना पड़ता। क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ कि विमेन के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए जब सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में, तो उसके बाद फाइनल की का ऐलान किया गया, तो उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट में गए और ये बोले कि विमेंस के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अमल में लाइए, ये कहते हुए हाई कोर्ट में गए। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से विमेन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करो। तो इस मामले में जो है कुछ चेंजेस करी थी ये जो बोर्ड है, गुरुकुल बोर्ड, तो उस हिसाब से वो लोग एक चीज़ का परमिशन लिए थे कि हम लोग जो है रिजल्ट का ऐलान करना चाह रहे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो अब इसके लिए क्या होने वाला है कि जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तो उसके बाद फर्स्ट डिग्री और उसके बाद जूनियर लेक्चरर और उसके बाद पीजीटी पोस्ट के लिए 1:2 के एतबार से रिजल्ट्स का ऐलान किया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए स्लॉट का जो तरीका रहेगा, यानी स्लॉट का मतलब ये है कि एक जो उम्मीदवार रहता उन जो है एक डेट और टाइम को जो है सेलेक्ट करता, फिर उसके बाद उस हिसाब से उसको जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वहाँ पे उसको जाना पड़ता। तो इसके लिए कंप्लीट 20 से 30 दिन लग सकते। उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होते, जो टीचर्स और रहते, उनको जो है समर में ट्रेनिंग दी जाएगी और साल 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर के शुरुआत से, मतलब एकेडमिक ईयर के मुताबिक उनका सिलेक्शन अमल में लाके उनके खिदमात को शुरू किया जाएगा। तो ये आई थिंक गुरुकुल के रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा अपडेट आप मान के चल सकते हैं। आप देख सकते 2nd Jan 2024 का ये अखबार है, पेज नंबर 8। आप चाहें तो बाद में इसको रेफर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए। और हमारे एजुकेशन अपडेट्स का ये सीरीज़ कैसा लगा इसके बारे में भी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।